नमस्कार दोस्तों, मैं नीटू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडीज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कम हुए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कैसे बढ़ा सकते हो बिना कोई अंग्रेजी एलोपैथिक मेडिसिन खाएं। बिल्कुल आयुर्वेदिक सेफ नुस्खा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जिसका उपयोग करके आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, एक बैलेंस पोजिशन में ला सकते हो। वैसे तो दोस्तों ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है और ज्यादातर ये मेल हार्मोन ही बोला जाता है, मेल के अंदर होता है लेकिन ये फीमेल के अंदर भी होता है। और इस हार्मोन के कम होने और ज्यादा होने पर हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, क्या सिम्टम होते हैं, वो आप एक बार सुन लीजिए। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपका कम हो जाता है तो सबसे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर। एक सेक्स हार्मोन भी दोस्तों हम इसको बोल देते हैं। हमारे अंदर से ये हार्मोन कम हो जाता है तो सेक्स में अरुचि हो सकती है, शुक्राणुओं की मोटालिटी वेटालिटी पर इफेक्ट पड़ता है, शुक्राणु कम भी हो सकते हैं और अनचाही बालों की ग्रोथ भी हो सकती है, हमारे चेहरे के ऊपर बाल आ सकते हैं या फिर हमारे बाल झड़ भी सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे ही फीमेल्स को जैसे कि मासिक धर्म में अनियमितता हो सकती है या फिर अनचाहे बाल आ सकते हैं या फिर बालों का झड़ना शुरू हो सकता है, ऐसे ही फीमेल के अंदर भी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इनबैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों इसको बैलेंस कैसे कर सकते हो, इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हो कम हुए हार्मोन को एक आयुर्वेदिक नुस्खे के द्वारा, इस वीडियो को दोस्तों मैं लास्ट तक देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल प्योर सेफ आयुर्वेदिक नुस्खा है, 100% आपको इस नुस्खे का रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आपको तीन चीजें करनी होंगी, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना, तीन चीजें आपको करनी होंगी। सबसे पहली चीज है दोस्तों आपको 20 से 25 मिनट तक आपको हर रोज मेडिटेशन करना होगा, योगा करनी होगी। योगा दोस्तों आप किसी भी तरीके की योगा कर सकते हो, इसके लिए कोई स्पेशली योगा नहीं है, मतलब अपनी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, शरीर को थोड़ा सा योगा करना होगा। दूसरी चीज दोस्तों जो है वो है आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में लेना होगा। वो दोस्तों हमको डायरेक्टली सूर्य से मिल जाता है, तो आपको थोड़ी सी देर तक 15 से 20 मिनट तक आप हर रोज धूप में जरूर बैठिए ताकि आपके अंदर विटामिन डी की कमी ना हो। और जो मेन चीज है दोस्तों, वो तीसरी जो चीज है वो है खाने की चीज, आपको खाने में क्या लेना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोस्तों हमेशा बढ़ता है ओमेगा 3 से, जो ओमेगा 3 के कैप्सूल भी आते हैं वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। जो बादाम और जो अखरोट होते हैं उनके अंदर एक स्वस्थ फैट होती है दोस्तों, स्वस्थ ओमेगा 3 होता है, तो आपको उनका सेवन करना है। लेकिन सेवन करने का तरीका क्या है वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 10 से 15 गिरी आप बादाम की कम भी कर सकते हो अगर आपकी एज कम है तो, 8 से 10 गिरी आप बादाम की लीजिए और 3 से 4 गिरी आप अखरोट की लीजिए। शाम को दोस्तों पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद योगा करके आइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और सुबह उठने के बाद योगा करने के बाद दोस्तों खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। बादाम की जो गिरी होती है उनका आपको दोस्तों छिलका उतार देना है, अखरोट का तो छिलका होता ही नहीं गिरियों के ऊपर, उसको तो आपने वैसे ही खाना है। बादाम की जो गिरी होती है उसका छिलका उतार दीजिए और अखरोट और उस बादाम को आप दोस्तों हर रोज अपने खाने में लीजिए, खाना खाने से पहले इसका सेवन कीजिए। शाम को भिगो कर रखने, सुबह तक वो फूल जाएंगे, अच्छा खाने में लगेंगे और आपको सुबह उठ के खाली पेट उनका सेवन करना है योगा करने के बाद। थोड़ी सी दोस्तों अगर आप अपनी दिनचर्या को सुधार लेते हो, खान पान थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो, तो क्या मतलब आपको कि कोई एलोपैथिक मेडिसिन या फिर इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़े, मतलब ही नहीं है। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन आपको नहीं खानी है, ये नुस्खा उपयोग कीजिए। जो तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं, वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, खाने के बाद मुझे कॉमेंट करिए जिसके अंदर कम थे, दोबारा से टेस्ट करवाइए, 100% आपका टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन होता है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों, जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों इस नुस्खे का, एक बार उपयोग करके जरूर देखिएगा। बस खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, खटाई नहीं खानी है जो इमली से खटाई बनती है, चाय नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं खानी है और किसी भी तरीके का फास्ट फूड जैसे कि चाउमीन बर्गर पिज्जा ये वगैरह होते ये नहीं खाने हैं। और खाने में अच्छा आहार लीजिए और इन तीनों चीजों का आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, मतलब ही नहीं है आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इनबैलेंस हो जाए या फिर कम हो जाए, आपकी शुक्राणु की मोर्टैलिटी वेटैलिटी भी बढ़ जाएगी, आपको सेक्सुअल लाइफ आपकी एक खुश सेक्सुअल लाइफ हो जाएगी, हैप्पी सेक्सुअल लाइफ हो जाएगी, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो,
कोई भी इस नुस्खे का सेवन करके अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो को कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मैंने दोस्तों एक वेबसाइट बनाई है www.rambaniilaj.com, अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हो तो सभी की सभी बीमारी का इलाज आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करके जा सकते हो। अगर आप इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो ऊपर फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।